हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी ग्लैमर कर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक वट सावित्री पूजा के लिए छोटा सा मेकअप वीडियो। तो आपको मैं इसमें बताऊंगी कि आप विदाउट ब्रश या फिर विदाउट ब्लेंडिंग ब्रश के थ्रू आप अपने हाथ से अपने फेस पे कैसे मेकअप कर सकते हैं, अपने आई पे कैसे मेकअप कर सकते हैं। तो आई पे तो हाथ से मेकअप थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं आई विल ट्राई। देन आपको मैं इसमें बताऊंगी कि आप इससे अपने आई पे कैसे मेकअप कर सकते हैं एंड अपने आईब्रो को इससे कैसे फिल कर सकते हैं। ये है, ये एक्चुअली ईयरबड है। तो आज मैं आपको इस ईयरबड से दिखाऊंगी कि मेकअप अपने आईज पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट ना करें और गाइस प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें माई यूट्यूब चैनल। गाइज, आप तो देख रहे होंगे कि मैं अपने हाथों से कैसे अपने मेकअप को, अपने फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और एक्चुअली ब्रश ना यूज़ करके थोड़ा सा मुश्किल तो होता है मेकअप करने में, बट बिगनर्स लोग के पास में ब्रश नहीं होते हैं, पफ नहीं होता है, तो वो लोग कैसे मेकअप करेंगे, उन लोगों के लिए ये है। तो मैंने अपने हाथों से फाउंडेशन को अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड करके देन मैं यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ की हूँ, वो टिश्यू पेपर। मैं एक्चुअली लूज़ पाउडर को लेकर के और अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ टिश्यू पेपर के साथ में। देन मैं आपको बताई थी कि एयरबड से मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी, आई मेकअप करूँगी। तो मैंने एयरबड लेकर के और अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। एक्चुअली ईयरबड से मेकअप आईब्रो को फिल करने में या फिर आई मेकअप करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, काफ़ी इजी है। एक्चुअली आप जिस तरह से ब्रश को यूज़ करते हैं अपने आईब्रो को फिल करने के लिए या फिर आई मेकअप के लिए यूज़ करते हैं, आप उसी तरह से ये ईयरबड से भी आप अपने आईब्रो को फिल कर सकते हैं काफ़ी ईजली। इसमें किसी तरह का कोई मुश्किल नहीं होता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप अच्छे से कर सकते हैं। देन आप देख रहे होंगे कि मैं एयरपोर्ट से ही अपने आई पे भी आई मेकअप कर रही हूँ, आई शैडो लेकर के। पहले मैंने ब्लैक में शैडो लिया है, आई शैडो, देन मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने आई पे क्रीज कट बना करके। उसके बाद फिर अपर एरिया में मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड एक्चुअली ये बट सावित्री पूजा का ये है मेकअप, इसके वजह से मैं इसमें रेड काफ़ी जगहों पे यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें रेड कलर का ही, एक्चुअली मैं इसमें रेड आई शेडो यूज़ कर सकती थी, बट मैं सोची कि आप लोगों को कुछ न्यू दिखाऊं, जिसके वजह से कि आप इसमें देख सकते हैं कि मैं इसमें रेड आई शेडो के जगह पे रेड लिपस्टिक मैं यूज़ करूँगी। गाइस, अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो या फिर किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। और अगर आपको किसी तरह का भी इशू हो इसमें कि इसे कैसे ब्लेंड करें या फिर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया था जिसके वजह से कि मैंने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा स्किप किया है, बट आप इसे देख सकते हैं, इतना मैं आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसे कैसे ब्लेंड की हूँ या फिर मैं इसे कैसे अपने आईज़ पे अप्लाई की हूँ।
और एक चीज़ आप देख सकते हो और कि मैंने पहले से ही अपना हेयर स्टाइल बना करके रखा हुआ है और मांग टीका लगा के रखा है, तो इसका वीडियो मैं इसमें साथ में मैंने डाल रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया था, तो मैं आपको इसके भी वीडियो शेयर कर दूँगी। और आपको अगर किसी भी तरह से लगे कि इसमें मेरे से कुछ गलती हुआ हो या फिर कहीं पे मिस्टेक हुआ हो या फिर आपको कुछ जानना हो कि आपने ये कैसे किया, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो गाइज, मेरे आई मेकअप पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वाह, एक्चुअली मैंने इसमें रेड रेड लिप रेड कलर का साड़ी पहना है जिसके वजह से कि मैं इसमें रेड आई मेकअप क्रिएट की हूँ। देन अपने आईज़ अपर आईज़ पे मैं अच्छे से ब्लशर को यूज़ करके अपने आईज़ के अपर आईज़ पे अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ उसे। देन इसके बाद फिर मैं अपने हैंड से, एक्चुअली इसे हो नहीं रहा था तो मैं सोची कि अपने हैंड से अच्छे से उसको ब्लेंड कर देती हूँ, तो वो मैंने किया है। और हाँ, मैं कुछ कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि मैं कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है कि ब्रश यूज़ की हूँ, बट हाँ वहाँ पे भी आप चाहें तो आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास में ब्रश हो, किसी तरह का भी ब्रश हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में टिश्यू पेपर भी ना है तो कॉटन कॉटन को ले करके उसको अच्छे से राउंड शेप में ले करके और उसे आप कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने जब ब्लशर लगाया या फिर हाइलाइटर लगाया तो उसके जगह पे मैं अपने हाथ के जगह पे उससे मैं ब्रश यूज़ की हूँ, तो वहाँ पे आप वीडियो के लास्ट में आप देख पाएंगे कि मैंने दो जगह पे सिर्फ ब्रश यूज किया है। देन आप देख सकते हैं मैं इसमें अब अपने आईज़ पे आईलाइनर को लगा रही हूँ। हाँ, ये मैं लिक्विड आईलाइनर लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसमें मैट आईलाइनर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी से आप ईयरबड ले करके अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हैं। ना, मैं अपने नोज़ को साफ लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर के आई शेडो मैंने यूज़ किया है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि मैं अपने फेस पे जितनी भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, जैसे आई पे आई शेडो हो गया, नोज़ पे फिर ब्लशर हो गया, हाइलाइटर हो गया, जितने भी सारी चीज़ें हैं मैं एक ही पैलेट से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी बार मैं आपको वो पैलेट आई पैलेट मैंने शो किया है अपने वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं कि उससे ही मैं अपने नोज़ को शार्प लुक दिया हुआ है, देन अपने चिक एरिया को शार्प एरिया किया हुआ है। देन उसके बाद फिर उसी पैलेट से मैंने अपने चिक को ब्लश भी किया है एंड हाइलाइटर हाइलाइट भी उसी से किया। फिर उसमें सारे चीज़ें हैं, हाइलाइटर भी है उसमें, ब्लश भी है, कॉम्पैक्ट भी है एंड आई शैडो भी है। तो मेरे सारे फेस का मेकअप जितना वो कंप्लीट हो गया है। देन मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ कि लिप पे मैं रेगुलर मेरा जो लिप लाइनर है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। देन लिप लाइनर को यूज़ करने के बाद अच्छे से एक लाइन क्रिएट करने के बाद मैं इसमें लिपस्टिक का इस्तेमाल करूँगी। तो जो मैंने अपने आईज़ पे लिपस्टिक का इस्तेमाल किया है वही सेम मैं अपने लिप पे भी यूज़ की हूँ। देख सकते हैं आप कि मेरा लुक कितना कितना प्रिटी लग रहा है। तो आपका फर्स्ट फर्स्ट बट सावित्री पूजा हो या फिर आपका करवा चौथ का पूजा हो, आप ये लुक अपने फेस पे क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे आप अपने फेस पे मेकअप कर सकते हैं, ऐसे ज्वेलरी पहन सकते हैं, साड़ी को क्रिएट कर सकते हैं, तो काफ़ी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं मैं आपके लिए अपने फेस का। सो गाइज, आपको पसंद आया तो प्लीज़